समझ तो सकती है ना, भी साहिल भी 4 साल का हो गया, उसके लिए भी घर छोटा पड़ रहा है। मैं सोच रही थी अगर आप वृद्धाश्रम में, स्पेस काफी कम गिर रहा है, बच्चों के लिए इंडिविजुअल रूम भी नहीं है, और एक्चुअली माँ जी मुझे सब पे ध्यान देने भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली माँ जी वृद्धाश्रम में आपका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और वहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। शिबू बेटा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? मुझे किसी ने भी बात नहीं कर रही है। शिबू बेटा, आप क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? शिबू बेटा, ये रोना धोना बंद करो, चलो मेरे साथ नीचे चलो, अच्छी बच्ची की तरह चलो। दादी, जाना जरूरी है। हाँ बेटा, पर क्यों? मेरी समझोगी? प्लीज मत जाना दादी, मैं आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। मैं खाना टाइम पे खाऊंगी, स्कूल टाइम पे जाऊंगी, होमवर्क भी टाइम पे करूंगी, और आपके लिए मैं बैंक में सेविंग्स भी तो कर रही हूँ ना। प्लीज दादी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बात ही नहीं करनी है दादी। शिबू बेटा, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है बेटा। नहीं खाना है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझसे तो प्यार, अब किसी से भी प्यार नहीं करते हो। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ। झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझसे तो क्या, आप किसी से भी प्यार नहीं करते हो। अगर आप प्यार करते होते तो आप दादी को इस घर से जाने के लिए नहीं कहते। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। नहीं समझना है मुझे, अगर आप दादी से प्यार करती होती तो उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती। दादी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपका बहुत दिल दुखाया है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। थैंक यू।